क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ओ दुर्गा बहन, ये लो मुंह मीठा करो, लो तुम भी करो। अरे बहुरिया ने दूसरी बार बेटा जनी है और मैं दूसरी बार दादी बनी हूँ। अरे तेरा तो परलोक बन गया विद्यापति बहन, अरे बेटे से तो वंश चले हैं, वंश। ए दुर्गा काकी, तुमरी बहुरिया फिर से पेट से है का? हाँ है तो, पर ना जाने अब की का गुल खिलाएगी। अरे जब से हमारे बिटवा का शादी हुआ है ना, इससे का तो जीवन बर्बाद हो गया है। चपड़ी बना के रखी है मछली बाजार में आके, चुप। इसको चुप कराने वाली कहां मर गई? आज इसको हम चुप कराते हैं हमेशा के लिए। चल छोड़िए, बच्चे को दे दीजिए, उसके साथ कुछ मत करिए, बच्चे को दे दीजिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। अरे क्या हुआ बेटा? ये सब जान का जंजाल बन गया है यहाँ पे। सुन जी, इस बार का पुत्रदा एकादशी मन से करना, कोई चूक ना हो जाए, समझी? और इस बार एक लड़का दे दे ताकि इस घर को वारिस मिल जाए और तेरा भी जीवन सफल हो जाए। और अगर इस बार भी चौथी सपोली पैदा की ना, तो समझ लेना तुझे और तेरी चारों सपोली को यही गाड़ दूंगी। अब ये हमारे सर पे काहे खड़ी है, जा नीचे काम कर। काम की न खाज की दुश्मन अनाज की। मम्मी मम्मी, मुझसे बासी खाना नहीं खाया जा रहा, मुझे भी दूध दो ना। खा लो बेटा, और ये दूध ना हम रिमी को देने जा रहे हैं, भूख लगी है ना उसे। अच्छा तो ये बासी खाना है हा? और ये दूध किसके लिए लिया जा रहा है? माँ जी रिमी के लिए, भूख लगी है उसे तो। अच्छा, पहले तो तीन तीन सपोली को पैदा की, अब उनको दूध में पिलाया जाएगा। खबरदार, जो मेरे से बिना पूछे दूध में हाथ लगाई तो, समझी? और ये ले बासी खाना, खिला अपने मीठी पिम्मी को, और खबरदार बिना पूछे मेरे से हाथ लगाई किसी चीज में तो। हे राम जी, इस घर का वंश भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लो दुनिया की सुध ले रहा है, घर की भी सुध ले ले, नागिनों का फौज खड़ा कर दिया है घर में। अरे माँ, हम क्या हमारे, जब कहते तब सुने नहीं, तीसरी भी नागिन पैदा हो गई, इससे पहले कि चौथी आ जाए जा डॉक्टर के पास, तीसरा महीना लग गया है। अगर लड़की हुई ना तो उधर ही साफ करा के आना, नहीं तो मत लाना, मरे जी अपने कर्म से। शंकर कहाँ मिलेंगे? आप शंकर हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? लिंग परीक्षण आप ही करवाते हैं क्या? मरवाएगा क्या? कहे अरे अंदर का बोल रहे थे, पकड़वाएंगे का? और देखिए ये काम है ना, डॉक्टर लोग भी आजकल नहीं करते हैं। अरे देखिए आप, देखिए कुछ भी कीजिए, कितना भी पैसा लगेगा हम देंगे भाई। हाँ, हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, ये देखिए पूरा ले लीजिए, सब ले लीजिए आप, लेकिन देखिए कुछ कीजिए, कुछ तो तरीका होगा, सोचिए ना। एक तरीका हो सकता है, लड़की ही थी मैंने। एक औरत के लिए उसके पेट में पल रहे बच्चे के मरने के दुख का
अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बेटा हो या बेटी, हर माँ के लिए उसका बच्चा उसे जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। लड़का या लड़की होना मर्दों के हाथ में है, औरतों के नहीं। चंदन ठीक ही बोल रहा था, बेटा या बेटी होना मर्द के ऊपर है। क्या दूसरा ब्याह करने के बाद भी बेटी हो गई तो? रघु, हम कुछ भी करें, कितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन लड़का चाहिए। बेटा पाने की चाहत ने विशेष की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और वो बेटा पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अरे चलो ना, तुम औरत लोग भी ना कपाल का जंजाल बना के रखती हो, क्या कर रही थी तुम तब से? सुनिए ना, सुनाइए। देखिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखो कैसे सह रहे हैं ना हम, ये हम ही जानते हैं। देखो फिर बात महजा दी, चलो यहाँ से, चलो जल्दी, चलो ना, टाइम जा रहा है हमारा, चलो बैठो। हाँ जल्दी, ए चल रहे। इधर ही तो बोले थे बाबा, चलो इधर पूछते हैं किसी से। आ जाओ आ जाओ। ये वाटिका आश्रम वाले तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? मंदिर है ना। हाँ इसमें। इधर से ही ना। धन्यवाद, आ जाओ बाबा। आ गए हम, ले आए। आओ मेरे साथ, लो ये जल ग्रहण कर लो। बाबा जो कह रहे हैं श्रद्धा से करती जाओ। कुछ मत सोच पगली, अपने आप को न्योछावर कर दे, आ जा हमारे शरण में, आ जा। रघु, विशेष अपनी पत्नी को लेके किसी तांत्रिक के पास गया है, मुझे सब कुछ पता है। तुमने ही जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी। देखो चुपचाप बता दो कहाँ गया है। अरे ओ जासूस मैडम, मेरा दिमाग मत खाओ। सर सर, वो है रघु। पकड़ इसको। मैंने कुछ नहीं किया। साहब बताता हूँ, साहब सब बताता हूँ साहब। लेकिन बेटा तो नहीं है ना, अब हो जाएगा। क्या 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 रोने का है? साहब यही है वो आदमी। कहाँ है रोने? रोने क्या है? तू कैसी है? तू ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो खुली हवा में सांस लेने का कोई हक नहीं है। हम ये नहीं कहते दोस्तों कि सारे साधु महात्मा पाखंडी होते हैं, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कोई हमारे लालच और डर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। बेटा और बेटी के जन्म के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार होता है, स्त्री नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई को जानें
और बेटा और बेटी के फर्क को मिटा दे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।